हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। माई सेल्फ रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और फिलहाल मैं अभी हूँ कॉस्मोपोर्ट में और मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ ग्रोसरीज को शॉपिंग करने के लिए। तो मैं दिखाऊंगा कि आपको ग्रोसरीज की शॉपिंग कैसे होती है। फिलहाल मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ बाहर को और आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह का शॉपिंग का क्या सीन है और आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि ग्रोसरी शॉपिंग क्या होता है। तो फिलहाल मैं अपने कैंपस के आसपास ही हूँ और मैं जा रहा हूँ कॉस्मोपोर्ट। वहाँ पर जो ऑलमोस्ट जो ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। स्ट्रीट हमारे हॉस्टल के पास से ही है और ये आपको सामने दिख रहा होगा रोड के उस पर, वो पेत्रोज का है, ग्रीन कलर की ये वाली जो सेक्शन है ये पेत्रोज का है। तो कई बार हम जब हॉस्टल से सामान लेने आते हैं तो यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट का पड़ता है। तो छोटी मोटी ग्रोसरी जैसे दूध हो गया, केला हो गया और कई बार राइस पल्सेस वगैरह अगर हमें लेना होता तो हम यहाँ पे आते हैं। और ये रूट जो है हमारा हॉस्टल का जाता है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास में ही है। वहाँ से उस जगह से हमें यहाँ आने में अप्रोक्स 5 मिनट के आसपास लगता है, तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो टेम्परेचर हो रखा है बाहर का वो हो रखा है -12 डिग्री और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। गाइज हम कॉस्मोपोर्ट आ चुके हैं और एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं। एंट्री गेट बहुत अच्छा सा, बहुत शानदार से बनाया हुआ है इन लोगों। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो ये है एंट्री गेट, यहाँ पर कुछ आउटलेट का सीन लगाया हुआ जैसे KFC हो गया। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर। अंदर आ चुके हैं और काफी ठंड थी बाहर। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ से हम लोगों ने अपना ये मैंने ट्रे को रेडी किया और ये ट्रे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से लो और आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक चीज़ें क्या क्या शॉपिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने एंट्री लिया हूँ। तो फिलहाल हम अंदर की तरफ चलते हैं और अभी क्रिसमस का टाइम है तो क्रिसमस के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है। क्रिसमस के बारे में आप ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। और ये कुछ कॉइन्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत दिन बाद ये चीज़ों को देखने को मिला है। तो ये है मेरा नोट्स जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये बना लिया था, प्लान कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखानी है और क्या क्या चीज़ें हर एक स्टूडेंट डिमांड करता है कि भैया वहाँ पर क्या चीज़ें मिलेगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेगी, कितना कॉस्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं बारीकी से आपको शेयर करूँगा, इन सब चीज़ों के बारे में रिवील करूँगा, प्राइस वगैरह और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, स्पेशली स्पाइसेस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, दाल चावल आटा और फ्रूट्स वेजिटेबल क्या क्या चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैं रिवील करूँगा वन बाई वन। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। कुछ इंडियन स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि क्या इंडियन फूड मिलते हैं रशिया में। तो यार देखो, रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पर इंडियन फूड्स मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है क्लोज रहता है, पर यहाँ समारा में स्टिल एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर इंडियन फूड्स मिल जाते हैं, जैसे बिरयानी हो गया, पनीर मसाला, पनीर बटर चिकन, सब कुछ ये सब चीज़ें मिलती है। दूसरी चीज़ें ये थी कि इंडियन मसाला मिल जाता है, तो वीडियो में देखो क्या क्या चीज़ें मिलता है, वो सारी चीज़ों को मैं रिवील करूँगा। और तीसरी चीज़ ये थी कि भैया इंडिया का फास्ट फूड काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता है। देखो यार, जब कंट्री चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो यहाँ का बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि आपको मिलेगा। आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का बहुत सारी चीज़ें वो आपको मिलता है, तो जब कंट्री चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है, रशियन वे ऐसे कई ऐसे फूड है जो आपको पसंद आएगा। तो भाई सबसे हमारा पहला प्लान है कि हम चलते हैं कि फ्लोर आटा वगैरह दाल चावल वगैरह कैसे मिलता है, क्या मिलता है और क्या रेट वगैरह है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ये है आटा जो हम लोग यूज़ करते हैं और इसका जो प्राइस है 2 kg का 162 रूबल है, तो ज़्यादा प्राइस नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ें जो दिख रहा है ये आपको है टोटल मैदा है, इन सब चीज़ों को हम सीरियसली नहीं यूज़ करते हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं यूज़ करता है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट होता है इंडियन से। और ये वाला जो है ये आटा प्रॉपर इंडियन की तरह है, तो हम इसको स्पेशली यूज़ करते हैं। और भाई ये है मूवी नाइट के लिए हॉस्टल में, भाई सभी लोग यूज़ करते हैं ये पॉपकॉर्न, इंडिया में मिलता है पर इंडिया में मुझे स्पेशली पता नहीं, मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पर यहाँ पर जो पॉपकॉर्न मिलते हैं वो 44 रूबल से लेकर ऐसे 65 रूबल के मिलते हैं, अलग अलग है। ये थोड़ा बटर वगैरह इसमें होते हैं
और ये इनकरप्शन का कुछ स्पेशली कुछ डाला हुआ होता है, तो कोई वैसा सीन नहीं है। पर ये चीफली बहुत आसान, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं हॉस्टल में मूवी वगैरह देखने के लिए, स्पेशली ऐसे टाइम पास करने के लिए यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए। और जो यहाँ पर चिप्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हो, टोमेटो का चिप्स है और ये सब जो चिप्स है ना, स्पेशली रशिया का ही है, कोई मतलब ऐसे नहीं है जैसे हम लोग इंडिया में लेज़ वगैरह यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जो चिप्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली भी है और इवन स्पाइसी भी नहीं होते, जैसे यहाँ पर चिलीज़ वगैरह दिखा रहा नहीं, यहाँ चिलीज़ वगैरह डाली हुई है, पर ये चिलीज़ वगैरह है भी नहीं, इसमें स्पाइसी उतना नहीं होता जितना इंडिया का होता है। तो ब्रदर यहाँ पर बेसन भी मिल जाता है, आप देख रहे हैं 144 रूबल का है और ये बेसन है, और आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। बेसन भी इंडिया की तरह होता है, स्पेशली हम लोग कढ़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ मिल रहा है लेज़ इंडियन स्पेशली, और आपको मैं दिखा दूँ टेस्ट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है यार, इसमें चिकन वगैरह डाल देते हैं यार, जो कि इंडिया में हर में नहीं होता सीरियसली, ये चिकन वगैरह डाल देते हैं सीरियसली। तो ये है तेल जो कि हम कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और इसका प्राइस जो स्टार्टिंग इधर से होता है 86-87 से होता है, और 250-300 के आसपास जाता है। आपको जिस क्वालिटी का यूज़ करना है आप उस क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये वाले यूज़ करते हैं 86, कई बार 86 का मिल जाता है, और नहीं तो फिर कई बार 134 का जो ये मिल रहा है ये यूज़ करते हैं, तो टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर जितने भी ऑयल्स हैं वो ऐसा कोई नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल है, सारे सनफ्लावर ऑयल है, बस क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंट, क्वालिटी और टेस्ट का डिफरेंट करता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहती है। तो आपका एज पर चॉइस आप जो ले सकते हैं, और ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। भाई इधर मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पर बहुत लोग यूज़ करते हैं मैगी मसाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्राइस वगैरह है ना वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ 64, 67, 68 अगर हम इंडिया में भी लेते हैं ना, तो इतने बड़े जो पैकेट आते हैं ना ब्रदर, इतने बड़े पैकेट, वो भी इंडिया में ना 20-30 के मिलते हैं, यहाँ पर 50 के मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मिल रहा। और हर एक तरह का है यहाँ पर, मैगी मसाला वगैरह अवेलेबल है, जैसे पोटैटो फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए, कुछ समोसा चाट वगैरह के लिए, चाट मसाला टाइप से बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है, हर एक चीज़ें, मतलब मसाला जो बेसिक मसाला है ना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इंडिया से, पर ये मिल जाती है सारी चीज़ें। और मैं आपको यहाँ पर इधर को दिखाऊं तो ये मैगी का कुछ सूप वगैरह मिलता है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, स्पेशली मैं सूप वगैरह तो यूज़ नहीं करता हूँ पर यहाँ पर मिल रही है। हेलो गाइस, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मसाला अवेलेबल है, स्पेशली जो अगर आप इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें ना, तो उस टाइप का आपको नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये हो गया आपको काली मिर्च का पाउडर हो गया, और ये थोड़ा दानेदार होती है, अगर वैसे लेनी है जैसे बिल्कुल पीसा हुआ, तो ये वाला है, ये प्रॉपर पीसा हुआ है काली मिर्च का पाउडर। और अगर आपको हल्दी वगैरह भी देखना, तो यहाँ हल्दी वगैरह भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है हल्दी का पाउडर, हल्दी मिल जाता है, और हल्दी भी आसानी से मिल जाता है यहाँ पर हल्दी का पाउडर। और ये इसका मैंने टेस्ट काफ़ी एक बार ट्राई किया है, तो इसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि जिससे मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने ये चीज़ें यूज़ करी थी। और ये है एक्चुअली पाउडर, वो जैसे हम गरम मसाला यूज़ करते हैं ना, तो एक लकड़ी टाइप से कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम स्पेशली नहीं पता, पर उसका ये पाउडर है, ये भी पाउडर काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल ही। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा, इन लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप से हैं, तो इन लोगों ने ना धनिया पत्ता जो होता है ना उसके ऐसे मतलब ड्राई करके ग्राइंड किया हुआ है, तो ये भी हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर है लौंग का पाउडर है, और ये भी हल्दी का है, और अगर दिखाएं तो लहसुन वगैरह का पेस्ट मिल जाए यहाँ पर, और ये जीरा पाउडर वगैरह, इलायची का पाउडर है। यहाँ पर कैचअप वगैरह भी अवेलेबल है, और कैचअप वगैरह का जो कॉस्ट है ठीक ठाक है, नॉर्मल, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब कैचअप वगैरह लेते हो तो थोड़ा ध्यान से ले लिया करो यार, क्योंकि यहाँ पर चिकन वगैरह भी कई बार ऐड कर देते हैं, तो जो बेसिक नॉर्मल कैचअप है वो 99 वगैरह से वो 150 तक आ जाता है नॉर्मली, अच्छा सा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं भाई। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन मसाला वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ कुछ, लेकिन जिस टाइप का अगर इंडिया से आप कैरी कर सकते हो ना, तो ईजिली आसानी से आप कैरी करके ले आओ, क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है और अच्छा भी होता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ का जो मसाला है, अगर चिली वगैरह आप ले लो यहाँ से, तो उसका जो टेस्ट है और जो इतना तीखापन है वो नहीं होता, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है टेस्ट। तो अगर मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपको लेके आना है तो आप इंडिया से लेके आओ, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा सही और अच्छा मिल जाता है। फ्रूट्स वगैरह जो मिलता है यहाँ पर वो कैसा है और क्या रेट वगैरह था, क्या क्या वेजिटेबल्स यहाँ पर अवेलेबल है स्पेशली जो हम यूज़ करते हैं उस बारे में, तो देखते हैं, आ जाओ। ये है वेजिटेबल का सेक्शन, इधर कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं और ये चॉकलेट्स वगैरह भी आए हुए हैं, तो मैं दिखाता हूँ पहले वेजिटेबल्स वगैरह क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सामने तो मिल रहा है भाई पत्ता गोभी, जो कि 20 रुपये के जी मिल रहा है पत्ता गोभी, और इतने बड़े बड़े पर स्पेशली मैं खाता नहीं हूँ,
पर जो खाते हैं जिनको अच्छा से बनाना आता है वो तो खाते ही हैं। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये फ्रोज़न चीज़ें मिल रही है, जैसे पालक हो गया, तो पालक दे रहे हैं अप्रोक्स आप मान के चलो तो 200 रुपये का दे रहे हैं और ये होंगे 200 ग्राम, तो थोड़ा सा कॉस्टली तो है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे मशरूम वगैरह हो गया, मशरूम वगैरह आप खाते हैं तो मशरूम वगैरह थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि 200-250 ग्राम मशरूम होता है और 150 रुपये के आसपास आ जाता है, 150-120 रुपये का, तो महंगा नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। कहते हैं जकूनी, इसे मैं खाता हूँ, ये स्पेशली कद्दू की तरह होता है, इंडिया में जो घिया मिलता है कद्दू मिलता है उसके तरह ही होता है, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये दे रहे हैं 2359 का, अगर ऑफ़र में बात करें तो 261 का, और ये लाइट वेटेड ही होता है। 261 का मतलब पर केजी आ जाता है, तो आप 2-3 चढ़ जाता है तो आराम से 2-3 टाइम हो जाता है। और यहाँ पर मिल रहा है, ये है आपको बैगन, और इसका जो प्राइस है आपको 229 रुपये का पड़ रहा है, और गोभी पड़ रहा है 189 रुपये का, और ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं है, फ्रेश नहीं है तो थोड़ा सा कम हो रहा है, पर ये जो साफ साफ गोभी है ये पड़ रहा है 350 का। तो गोभी वगैरह तो काफ़ी महंगा हो रखा है, ब्रोंकली भी काफ़ी महंगा हो रखा है यहाँ पर। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। जो चाय लवर है अदरक के साथ, उसके लिए यहाँ पर अदरक मिलता है आराम से, आप यहाँ पर ले जाओ। प्याज है, ये वाले प्याज थोड़े से होते हैं ना, ये थोड़े से सस्ते हैं, इन द सेंस कहा जाए तो ये 80 रुपये केजी है, और ये वाले जो प्याज है रेड वाले, इस थोड़ा सा मतलब इंडियन टाइप से प्रॉपर मैच करता है ये, और इसका जो प्राइस है ना 219 रुपये केजी है, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और इधर देख रहे हैं कि ब्राउन कैबेज वगैरह है, और गाजर वगैरह मिल रहा है, गाजर वगैरह ठीक है, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, 89 रुपीज़ पर केजी है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। लोकल प्रोसेस से लेने का, यहाँ पर जब हम लेते हैं ना तो यहाँ पर नंबर वगैरह लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है और इसका प्राइस लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ से पन्नी में आप लो, पैक करो और यहाँ पर जाओ। इस मशीन में जाने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर कोई भी जो नंबर आ रहे हैं आपको उस नंबर को, जैसे अगर एक है तो एक सेलेक्ट कर लिया, आपका जो वेट आ रहा है यहाँ पर ये करना है, तो दबाएंगे आपका स्लिप आ जाएगा यहाँ से, और आप आराम से ले जाओ, और बार कोड जनरेट हो जाता है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर ये मिल्क वाले सेक्शन है, यहाँ पर मिल्क वगैरह, कर्ड वगैरह और जो भी चीज़ें ना, कैफ़ेर वगैरह सारा कुछ मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पर फ्लेवर्ड कैफे वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ दूध का जो प्राइस है ना यार, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी महंगा भी नहीं, ठीक ठाक है। अगर 1 लीटर की बात करें तो 900 ml ये वाले दूध आ रहे हैं, और जो इसका प्राइस है ये है 62 रुपये, 62 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 900 ग्राम है, और जो इसका फैट परसेंटेज है 2.5 है, तो जो बेसिक नॉर्मली यूज़ करते हैं ना हम, तो ये वाले दूध को यूज़ करते हैं, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और अपने चॉइस से कोई भी बंदा किसी तरह का लेता है, कई लोग फ्लेवर पसंद करते हैं, तो यहाँ पर फ्लेवर वाले भी मिल्क वगैरह अवेलेबल हैं सारा कुछ, तो आप ले सकते हो आराम। यहाँ पर मिल रहा है फ्लेवर्ड कस्टर्ड, तो ये मैं भी खाता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी लूँगा फ्लेवर कस्टर्ड। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज वगैरह मिल रहा है जो कि मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अपने लिए क्या मिल जाएगा, फ़िलहाल मैं ये लूँगा, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये है 29 रुपये का, और इतना बड़ा पैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस मैं आपको अभी फ़िलहाल ले चल रहा हूँ कि अंडा वगैरह का प्राइस क्या है, अंडा वगैरह जो बहुत लोग खाते हैं, अंडा चिकन वगैरह, उसका प्राइस वगैरह क्या है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊँ कि ट्रे में दिखाता हूँ कि आपको ट्रे में क्या पड़ जाता है क्या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो ट्रे रखी हुई है, ये ट्रे पूरी है, और इसकी जो प्राइस यहाँ पर आ रही है वो है 375 रुपये का, तो कॉस्टली नहीं है, ठीक ठाक है, और हर लोग यूज करते हैं। और जो इसका जो साइज है वो है C1, तो साइज भी ठीक है और कॉस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई हैप्पी बर्थडे वालों के लिए ये देखो केक कितना है, आराम से 250-300 के आ रहे हैं केक, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये सब इस चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये नॉर्मल चीज़ें जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो हर एक चीज़ें ये सब चीज़ें एसेस करते हैं, तो क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या डिफरेंस है हमारा इंडिया और रशिया में हम जब बाई करते हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है आप लोगों के लिए। भाई इन सब को छोड़ो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जगह ले चलता हूँ, वो है ब्रेड, क्योंकि हर कोई ब्रेड को यूज़ करता है, और जो ब्रेड का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर किस तरह का ब्रेड मिल रहा है और कितना ज़्यादा मिलता है, और पीछे जो ब्रेड दिख रहा है ना लंबा लंबा, ये ब्रेड मैंने अपने दोस्त को बर्थडे में गिफ्ट किया था, सीरियसली वो तो खा नहीं पाया था लेकिन उसके मार ज़रूर खाया था। तो ये है यहाँ पर ब्रेड्स, और ब्रेड्स की जो वेराइटीज़ हैं वो 54 रुपये से लेकर 54 रुपये का पैकेट आ जाते हैं, और ये अप्रोक्स 400-300 ग्राम के पैकेट होते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। जो बेसिकली मैं लेके जाता हूँ ब्रेड, मैं वो दिखाता हूँ, ये ब्रेड ना ये सॉफ्ट भी होता है, और
और ये मतलब वेट भी ज़्यादा है, सॉफ्ट भी है, और सैंडविच वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं फ़िलहाल तो नहीं लेके जा रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्रेड वगैरह है, ये और ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, काफ़ी अच्छा है। ये 71 का पड़ता है, वो 44 का पड़ता है, और दोनों ब्रेड सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक ये वाला लेके जाना चाहिए। नहीं, इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है, पर ब्रेड ठीक है, काफ़ी अच्छा है। भाई तो ग्रोसरीज ख़रीदने आए थे भाई, सीरियसली इतना ज़्यादा ये मॉल इतना बड़ा है ना कि हमें सीरियसली पता ही नहीं चलता कि कौन सा ग्रोसरीज कहाँ रखा हुआ है, कहाँ चावल है, कहाँ दाल है, कहाँ आटा है, ढूंढ ढूंढ के ख़रीदना पड़ता है। पर सीरियसली अगर आप मंथ में एक बार आप शॉपिंग करते हैं ना, तो इतना टाइम देना ज़रूरी भी है और हर चीज़ आपको मिल जाता है, ताकि आपको बार बार भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चिकन वगैरह का मैं बेसिक नॉर्मली हर चीज़ का प्राइस मैं बता दूँ। दाल अगर की बात करें तो 100-150 का मिल जाता है, चावल की पैकेट बात करें तो 110-120 से मिल जाता है, दूध की बॉटल की बात करें तो 900 ग्राम का आपको जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 62 से लेकर 65 रुपये का, दही की बात करें तो 250 ग्राम से 300 ग्राम का जो प्राइस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 52 से 55 रुपये का। और फ्रूट्स वगैरह एज़ पर यू डिपेंड करता है वेरिएशन कितना है, पर फिर भी आपको केजी के हिसाब से बात करें तो 150 से लेकर 250 रुपये तक आपको अच्छे 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 फ्रूट्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो को पूरा क्लियर देखो, कुछ चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा स्टोर है, पूरा स्टोर को घूमना देखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और काफ़ी लेट हो गया मैं यहाँ पर घूमते घूमते। और मैं आपको कुछ चीज़ें क्रिसमस का चीज़ें दिखाता हूँ, और क्रिसमस में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पर डेकोरेशंस के लिए, चॉकलेट्स आई हुई है। आपको पता है जब इंडिया से हटके जब इस सारे कंट्रियों में आते हैं ना, तो यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह का बहुत वेराइटीज़ होती है, स्पेशली जब क्रिसमस का टाइम आता है ना, तो यहाँ पर लोग चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे लेके आते हैं। तो मैंने ये लिया, ये वाला कॉइन ले लिया मैंने, ये कॉइन काफ़ी मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा था, अब टेस्ट का देखूँगा मैं कैसा लगता है। ये क्रिसमस के टाइम में आई है, और मैंने ये इतने सारे कॉइन मैंने भर लिए हैं प्रॉपर, मैं जाके देखूंगा रूम में, जो अच्छा लगेगा खाऊंगा और दोबारा भी लेके जाऊंगा मैं। चीज़ें दिखानी थी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, जो चीज़ें थी मैंने बेसिकली बता दिया, चावल दाल आटा भाई सब चीज़ों के प्राइस जो होते थे बता दिया हूँ बेसिकली। और वीडियो में जो चीज़ें नहीं आपको पता चलता है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, क्या प्राइस वगैरह है, क्या वेरिएशन है, कितना एक्सपेंसिस वगैरह आता है। तो जो मंथली एक्सपेंसिस होता है ना भाई, वो टोटली समारा में अगर हम रह रहे हैं, स्पेशली मैं समारा की बात करूँ, तो जो मेरा एक्सपेंस आता है और भी लोगों का, तो 7-8 हज़ार के आसपास आ जाता है, 7-8 हज़ार रुपये आ जाते हैं। और अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हो और ये वो करते हो, तो 7-8 हज़ार रुपये से ऊपर से ज़्यादा आता नहीं है। बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा एक्सपेंस कर रहे हो, कैसा खर्चा वगैरह कर रहे हो आप। अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना हो क्रिसमस के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।